हेलो, वेलकम टू द चैनल आई क्यू द हो। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसे कि आपको पता है, आज है 11th जनवरी 2023। तो आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ऑन विच डे वर्ल्ड हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व। तो आपने बताना है कि कौन से दिन हम हर साल वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है, तो 10th दिसंबर को हम हर साल वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब इसको नेशनल हिंदी दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 14th सितंबर। तो 14 सितंबर को हम हर साल नेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसको अब वर्ल्ड हिंदी दिवस के साथ सेलिब्रेट नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करेंगे तो 10th दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लाई है। अगर हम वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात करेंगे तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और इसका मेन मोटिव यही था कि इस लैंग्वेज को जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो सबसे पहली बार हिंदी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो है वो बोला गया था 1949 के अंदर। 1949 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जो हमने हिंदी को रिप्रेजेंट किया था, और तब से जो हम हर साल विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम 1975 की बात करें, 1949 के अंदर हमने यूनाइटेड नेशंस के हिंदू को स्पोक किया। अब 1975 की अगर हम बात करेंगे, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, तो हमने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो इनाग्रेट किया था। और इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। अगर हम वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको 10th जनवरी 2006 के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्राइम टेन्योर ऑफ मनमोहन सिंह। तो नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो आपने बताना कि कौन सी स्टेट पहली बनी है जिसने ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो है वो सेटअप किया है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो एम के स्टालिन के गवर्नमेंट के द्वारा जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम इसके ग्रीन क्लाइमेट फंड के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो याद रखें साउथ कोरिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, साउथ कोरिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। और तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, इसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो 100 करोड़ की फंड जो है वो रेज करने जा रहे हैं ताकि ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो है वो दिया जाएगा इस मनी को। और अगर हम केरला की बात करेंगे तो केरला जो है इसके द्वारा भी जो है एक अनाउंसमेंट की गई है। उन्होंने कहा है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल जो है बनेंगे। तो याद रखें, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन। तो आपने बताना कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है वो दिया गया है तो जगह मिशन के लिए इंडिया को। तो आपने बताना कि ये जो जगह मिशन है ये कौन सी स्टेट के अंदर जो है वो चला गया। यहाँ से आपको पता चल गया कि उड़ीसा के अंदर जो है इस मिशन को जो है चला गया। अगर हम जगह मिशन की बात करेंगे, इसका मेन मोटिव है कि स्लम फ्री हमने बनना है। तो याद रखें, स्लम फ्री बनने का मोटिव जो है इसका है। तो अगर हम इसके अलावा देखें तो ये जो जगह मिशन है इसके अंदर जो है ओडिशा गवर्नमेंट और टाटा स्टील जो है वो दोनों मिलके जो है इस मिशन को जो है चला रहे हैं ताकि स्लम फ्री जो है वो स्टेट बनेगी। तो नेक्स्ट, द वर्ल्ड डे ऑफ वर्ल्ड वार ऑर्फन इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कौन से दिन? तो इसका सही आंसर जो है 6th जनवरी। तो 6 जनवरी को हम हर साल वर्ल्ड डे ऑफ वर्ल्ड ऑर्फन का दिन सेलिब्रेट किया। ऑर्फन किसको कहा जाता है? जिसको ना तो मदर हो ना तो फादर हो, क्योंकि आपको पता है कि वार की वजह से जो ऐसे केसेस आते हैं कि कुछ बच्चों के ना माँ होती है ना पिता होता, तो इसलिए जो इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट किया जाता है 6th जनवरी। रिसेंटली इसरो हैज साइंड इन मेमोरेंडम ऑफ यूनियन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है इसरो ने जो है रिसेंटली साइन अप किया है ताकि डीप टेक स्टार्टअप जो है वो चलाए जाएंगे। रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनीबीज। तो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हनीबी वैक्सीन जो है वो क्रिएट किया गया? तो इसका सही आंसर जो है वर्ल्ड का सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो एक पहल की गई है, फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनीबी बनाया गया है। अगर हम हनीबीज की बात करेंगे तो हनीबीज से जो है हनी निकाला जाता है, तो अब हनीबीज के अंदर भी जो है बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो उनको जो है हनीबीज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अमेरिकन फॉल ब्रॉड डिजीज जो होती है अमेरिका के अंदर, उसको उससे जो है हनीबीज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस वैक्सीन को जो है बनाया गया। अब ये जो है आसानी के साथ जो फूड पॉलिनेशन जो है आसानी के साथ कर सके। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021-22 विच आर द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैज द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन
ए है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जिसको कहा जाता है को, इसको जो है रिसेंटली इसके द्वारा जो है रिलीज किया गया था पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे। तो इस सर्वे को जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए जो है निकाला जाता कि कौन सी कंपनी जो है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जो है अर्न किए, तो इसके अंदर जो है टॉप किया है ONGC के द्वारा। अगर हम ONGC के चेयरमैन की बात करेंगे तो अनिल कुमार सिंह इसके चेयरमैन है। अब आप कमेंट के अंदर लिखेंगे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वरिंदर कुमार इनाग्रेट पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 2023। तो आपने बताना कि इंडिया फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो फेस्टिवल था पर्पल फेस्ट, ये कौन सी स्टेट के अंदर जो है सबसे पहले इनाग्रेट किया गया? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है। याद रखें गोवा के अंदर जो है पर्पल फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। पर्पल फेस्ट का मेन मोटिव यही होता है कि किसी न किसी तरीके से जो है डिसेबल पर्सन को जो है मोटिवेट किया जाए कि वो जो है आपकी अपनी जिंदगी के अंदर जो है कितनी तरक्की कर सके, वो अपने गोल्स को जो है कैसे अचीव कर सके। तो द फर्स्ट एवर ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 रेस इन इंडिया विल बी हेल्ड इन विच आर द फॉलोइंग सिटीज। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर जो है ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो 2023 रेस का जो है वो खेला जा रहा है। तो अगर हम F1 रेस की बात करेंगे तो F1 रेस जो है 2023 के अंदर जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है वो खेले जा रहे हैं 2023 के, तो वो भी जो है याद रखें। तो अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो फार्मर फुटबॉल इंडियन फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम श्यामाल घोष था, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था नेशनल टीम को 1970 के दौरान, इनकी डेथ हो गई है 1970 के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ये जो इंपॉर्टेंट डेट थी तो इसको भी जो है याद रखें। तो विच आर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ऑन January 31, 2023। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के अंदर जो है G20 की जो मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इसको इंडिया होस्ट कर रहा है पुडुचेरी के अंदर। तो अगर आपको याद होगा COP 27 ये जो है रिसेंटली इजिप्ट के अंदर जो है वो अब ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब आप कमेंट के अंदर लिखें COP 26 जो है वो कहाँ पे जो है वो होस्ट किया गया था। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग सेक्टर। तो आपने बताना कि कौन सी स्टेट जो है फुली डिजिटल बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग स्टेट जो है बनी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी है केरला। तो केरला जो है कंट्री का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट जो है बनी। जहाँ पे भी फर्स्ट की बात आ रही है तो वो क्वेश्चन आप समझ लें कि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम प्रॉस्पेक्टिव की वजह से, क्योंकि फर्स्ट जो भी होती मतलब कि वो आने वाली है। तो रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज बीन अवार्डेड ए 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट बाय द FSSAI। तो फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किसको जो ईट राइट स्टेशन जो है वो घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी है वाराणसी के रेलवे स्टेशन को जो है 2023 के अंदर जो है ईट राइट स्टेशन के अंदर जो वो डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे 6 तो ऑलरेडी है, तो ईट राइट सर्टिफिकेट जो है इसको दिया गया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। और अगर हम इसने जो है ईट राइट सेफ्टी स्टेशन सर्टिफिकेट के जो क्राइटेरियाज थे तो उनको जो है वो अचीव किया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली के अंदर, इसको ऑलरेडी मिला है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, वडोदरा रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात के अंदर है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ के अंदर, भोपाल रेलवे स्टेशन MP के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईट राइट सर्टिफिकेट स्टेशन सर्टिफिकेट थे जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा दिए। तो आपने बेसिकली याद रखना है वाराणसी का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इनको भी जो है गो थ्रू करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।